बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस रूह ज़मीन में ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसी ऐसी गलत कारियाँ तहलीक हो रही हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बस अल्लाह की पनाह ही मांगी जाए तो वो ही काफ़ी है। हर वक्त आप अल्लाह की पनाह मांगा करें कि अल्लाह हमें हर तरह के गुनाह से आजकल के दौर में दूर रखें। जैसे जैसे गुनाह इस रूह ज़मीन पर हो रहे हैं, हमारे पास नदी अल्फाज नहीं कि कैसे हम आपके साथ वो बयान करें, कैसे हम आपके साथ वो शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हम आज जिस पर बात करेंगे वो एक टॉपिक होगा आज का, हम जिंस प्रस्त पर। अभी 5 जुलाई 2022 को भारत में हम जिंस प्रस्त जोड़े ने शादी की है। हम इसकी पूरी डिटेल पाकिस्तान से भी आपको बताएंगे और पहले हम आपको भारत की ये खबर बताते हैं। कोलकाता में भारतीय मगरबी रियासत में ये इन्होंने शादी की है आपस में। इसका ये जो दूल्हा बना हुआ है इसका नाम अभिषेक रे है और दूसरे का नाम चितानिया शर्मा है। अब ये देखें, 3 जुलाई को इन्होंने शादी की और इनकी शादी की तकरीबात पर इनके अहले खाना, दोस्त, अहबाब सब ही शरीक हुए इनकी शादी में। और आप ये देखें कि ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसे ऐसे तहलीकारियाँ हो रही हैं कि ये तो खैर मुस्लिम्स तो नहीं, मुस्लिम भी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रेशो है, तादाद देखी जाए इंडिया में, गैर मुस्लिम्स की है, नॉन मुस्लिम्स की है। पाकिस्तान की हम आपको बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो कराची में भी काफ़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ में रात के टाइम ये हालिया कुछ दिनों पहले ये पकड़े गए थे कुछ लोग, जो कि कोज़े कज़ा रंग वाला जो झंडा है, हम उसमें भी आज बात करेंगे, उसको कैसे पहचाना जाए। उसको ये जो कोज़े कज़ा वाला झंडा है, ये 7 या 6 कलर का झंडा है और ये झंडा हम जिंस प्रस्त को प्रमोट करता है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कराची में भी हालिया कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में रात के टाइम पार्टियां रखी गई थी, जहां से अच्छा ये इनका तरीका वारदात ये है कि ये जो हिजड़े होते हैं, हिजड़ों से ये काम स्टार्ट करते हैं अपना, ऐसे ऐसे अपने फिर लिंक्स बनाते हैं, लिंक्स बना के लोगों तक पहुंचते हैं जो इस चीज़ का शौक रखते हैं हम जिंस का, उनको ये पार्टियों की दावत देते हैं, फिर उनमें ही इन्वॉल्व करके फिर उनके थ्रू दूसरे लोगों को टच किया जाता है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा नेटवर्क फैल चुका है, ये हालिया 2 दिन पहले सऊदी अरेबिया में हरम में भी सऊदी सिक्योरिटी ने ऐसे लोगों को पकड़ा था। अच्छा, हम आपको पहले ये कोज़े कज़ा बता दें, ये कोज़े कज़ा है क्या चीज़। हम ये एक स्क्रीन पर फोटो चलाएंगे, ये देखें ये कोज़े कज़ा। अच्छा, ये देखें, इन्होंने बीच में हलाल भी लिखा हुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तौबा, इन्होंने बीच में हलाल भी लिखा हुआ है। और ये कोज़े कज़ा का जी 6-7 कलर है और ये हम जिंस प्रस्त का झंडा है जी। ये आप देखें, कुछ दिन पहले जर्मनी में हम जिंस प्रस्त का परचम बुलंद करने वाली पहली मस्जिद, ये हम टिकट भी चलाएंगे अपनी स्क्रीन पे, ये अल मरसद न्यूज़पेपर पे कुछ दिन पहले की खबर शाया हुई थी। नाज़रीन, अल मरसद अखबार बर्लिन की इब्ने रश्द मस्जिद हम जिंस प्रस्तों का झंडा बुलंद करने वाली जर्मनी की पहली मस्जिद बन गई। अच्छा नाज़रीन, काबिले ज़िक्र है कि एक खातून की जानिब से कायम की गई ये मस्जिद, ये किसी खातून की जानिब से कायम की गई थी, ये किसी खातून ने बनवाई थी, जो कि ये पहली लिबरल मस्जिद है, अस्तग़फ़िरुल्लाह नौज़बिल्लाह, ये पहली लिबरल मस्जिद है जी जर्मनी में, जहाँ के इन चार्जों का मानना है कि ख़वातीन मर्दों के साथ साथ नमाज में मर्दों की इमामत करती हैं। तौबा सफ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप देखें कि इन पर अजाब भी नाज़िल नहीं होता, अल्लाह इनको एक ही बार पूछेगा। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि आपकी अक्ल थंग रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। मस्जिद में ये जो लिबरल मस्जिद है जी, इसका क्या नाम है, लिबरल मस्जिद नाम रखा गया है इसका। और यहाँ के इंचार्ज जो हवातीन हैं, वो मर्दों के साथ साथ नमाज में मर्दों की इमामत करती हैं।
और कोज़े कज़ा का बता दें, ये कोज़े कज़ा का झंडा आपको जहाँ भी नज़र आए, आप अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने जाएं, कहीं भी जाएं, ऐसी शर्टें भी आई हुई हैं मार्केट में जो कोज़े कज़ा आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह की आपको शर्टें कहीं भी नज़र आएं, यहाँ बच्चों के खिलौने नज़र आए हैं, बच्चों के खिलौनों पे भी इनके लोगोस वगैरह लगे हुए हैं और शर्टों पे इनके लोगोस वगैरह लगे हुए हैं। आपने इनको बिल्कुल बाय नहीं करना, बल्कि उल्टा रिपोर्ट करनी है इसके मुतल्लिक। ये जो कोज़े कज़ा का जो झंडा है, ये हम जींस प्रेस को प्रमोट करता है, ये बच्चों को, हमारी आने वाली नई जनरेशन को पूरी पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये इनका इनकी पूरी प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से आने वाली जनरेशन को या अभी की करंट जनरेशन को तबाह बर्बाद किया जाए हम जींस प्रेस में बदल के। कौमे लूत के ऊपर अजाब क्यों आया था? कौमे लूत के ऊपर इसीलिए तो अजाब आया था कि अल्लाह ने पैगाम भेजा था दो फरिश्तों के थ्रू के आप जो पैगाम लेके गए थे, फिर भी वो बात नहीं थे आए, लेकिन अल्लाह ने क्या हुआ, अल्लाह ने रात की तारीकी में उन्हें निस्तो नबूद कर दिया, जैसे कि जैसे थे उसी हालत में उनको अल्लाह ने निस्तो नबूद कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे माशरे में जो कि तेज़ी से फैल रही है, तेज़ी से नहीं है, बहुत तेज़ी से फैल रही है हमारे माशरे में, खसूसी तौर पर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप बाहर निकल जाएं, माइक लेके आप इंटरव्यूज वगैरह शुरू कर दें, आपको 100 में से 20 बंदे तो यही नजर आएंगे, ये जो हम जींस प्रेस होंगे आपको आपको नजर आएंगे, ये उन्हें सपोर्ट करेंगे। आप देखें, आप कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ये जो मेरा जिस मेरी मर्जी की औरतें कौन थी, ये वही थी लिबरल, ये कोज़े कज़ा के झंडों को सपोर्ट करने वाली। तो दुआ यही है कि अल्लाह हमारे माशरे को, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को और अल्लाह कुल जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे और ऐसे लोगों से हमें निजात दिलाए जिनके जो इरादे हैं हमारी जितनी भी मुस्लिम जनरेशन्स है उनको तबाह करने के, जिनके इरादे हैं, अल्लाह उन सबको इसको नबूद करे और उनके इरादे बर्बाद करे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।